देखे मेरे पति की जान, मेरा पति की जान खतरे में. प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए. प्लीज प्लीज मुझे ये बूटी लेके जाना बहुत बहुत जरूरी है. प्लीज आपको तो पता है मरने वाले के सर पे ही यमदूत होता है. प्लीज मैं आप लोगों को क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ. प्लीज मुझे लेके जा देते. प्लीज कहा है जब आदमियों की बस्ती में रहना है तो उनकी भाषा भी सीख लो. वो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है. ही पति जान फूंका हिंगा मेघ माना. कितनी सुंदर है जागा बुटी. इस मनुष्य का समय इस धरती से समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इसे स्वयं लेने के लिए आया हूं. नहीं यमराज, आप इस वक्त इसे यहां से नहीं लेके जा सकते. अभी इसका समय खत्म नहीं हो सकता. देखिए इसे, इसके प्राण खत्म हो गए लेकिन इसके शरीर ने प्राणों को मुक्त नहीं किया. इसके प्राण शरीर से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ऐसा कौन सा बंधन है जिसने इनको रोक कर रखा हुआ है? प्यार, बेहद प्यार. यमराज इसकी पत्नी से बेहद प्यार करती है और उसी बंधन से ये जुड़ा है. उसके हर कण कण में ये जुड़ा है और इसकी आत्मा भी उसी से जुड़ी है. यमराज, हर बंधन के टूटने का एक समय होता है देवी, और इसका वो समय आ गया है. इसे मेरे साथ जाना ही होगा. जा अपने पति की जान बचा ले. जी जी शुक्रिया शुक्रिया. रुक जाइए यमराज, बच्चे के आने तक की तो प्रतीक्षा कर लीजिए. प्यार का वास्ता है, कुछ क्षणों का दान कर दीजिए. शुक्र है तेरा भगवान, आज इस प्यार ने नियति को भी रोक दिया, समय के पहिए को भी रोक दिया. सत्य वचन, कोई सती होगी.
यप यप मीरा देखो मैं यहीं हूँ आंखें खोल मीरा विवान मीरा ये तुलिका कहाँ चली गई कॉल भी नहीं लग रहा उसका वो जाए ना वहीं पे अच्छी है चुड़ैलों के पैर कारनाई पड़े तो चंगा है बस मेरी मीरा ना सही सलामत कार वापस आ जाए लोग दिवाली पे राम भगवान और सीता के लौटने की खुशी मनाते हैं ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वाकई हमारे घर में आज दिवाली हो इतनी सारी मुश्किलों से लड़के वापस जो आ रहे हैं तो तुम अपने आप को राम भगवान कह रहे हो नहीं अपने आप को नहीं तुम्हें कह रहा हूं तुमने मेरी जान बचाई है मीरा एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी किसी वनवास से लौट रहे विवान तुम्हें पता है इस दिवाली ना मुझे किसी दिए की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा दिया तो मेरे साथ है और मेरी रोशनी मेरे साथ है मैं कसम खाती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगी और मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी हर रात को दिवाली बनाने की कोशिश करूंगा आई प्रॉमिस चलो अब इस नए रिश्ते का शुभारंभ करते हैं मम्मी जी हम आ गए ये क्या हालत बना रही है तुम लोगों ने हैं ये क्या हाय इतनी सारी सट क्या हुआ पुत्र आओ तुम लोग अंदर आओ हां बैठो संभाल के इतनी सारी चोट लग गई है इन्हें तुझे उसने उसी मंदिर में मारा ना आपने तभी कहते कि कार की औरत की बात ना सुन लेनी चाहिए तो क्या सच में तुलिका चुड़ैल थी मीरा जी मुझे माफ कर दो मैंने अपनी बहन पे विश्वास ना करके एक चुड़ैल पे विश्वास किया प्रिंस कोई नहीं कोई बात नहीं प्रिंस वैसे भी प्यार में ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती से पुत्र अपना हाथ पंडित जी दीजिए मैं कर दूं मैं करती हूँ आंटी मैं कर दूंगा मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी हे रब्बा इनके रिश्ते की भी सेख हमेशा बनाए रखे वो दिवाली की तैयारियां शैयारियां भी करनी है भाई अरे पापा जी मुझे कल रंगोली भी बनानी है और पिनिया भी अरे पिनिया और वो कौन से होते हैं बड़े बड़े लड्डू मीरा अगर तुम ये सब बनाने वाली हो ना तो सिर्फ मैं खाने वाला हूँ और इस प्रिंस को कुछ नहीं दूंगा ये सब तुम्हारे लिए नहीं बन रहा वो अनाथ आश्रम वाले बच्चों के लिए बन रहा तो तुम दूर रहना तो तुम मुझे एक भी नहीं दोगे नहीं और मिस्टर लंदन तुम तो वो कुकी शुकी खाते रहते हो ना तो पिन्नियों से तुम्हारा क्या वास्ता कोई पिन्नी नहीं मिलेगी तुम्हें एक सेकंड पहली बात तो तुम मेरी ये इंडियन नेस को ना चैलेंज मत करो अभी काफी टाइम हो गया है यहाँ रहते हो तो मुझे चीजें पता है
In fact, तुम 28 के 28 states के नाम पूछ लो, मैं सब बता सकता हूँ। ओ नहीं पुत्र, 28 नहीं, अब 29 हो गए। ठीक है। 29 हो गए। अब चलें, मिस्टर 28। चलो। संभाल के पुत्र। आदमियों का ना हर त्योहार मनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ये लवली लवली लगा लेना। इधर आओ, बैठो 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 बैठो। एक काम कर, तुम भी ना ये तरीका सीख लो। वो क्या है ना, हमारे लंदन में हम हर चीज को इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। खस्मान उखाड़े वो लंदन वाले। मैं ना कभी शराब पीऊंगी ना कभी लंदन जाऊंगी। तुम्हें पता भी है कितनी हानिकारक होती है। तुमने कभी पिक्चरों में नहीं देखा क्या, वो जब शराब पीते है तो उसके नीचे लिखा था बड़ा बड़ा, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तुम ना अक्कल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लंदन मत जाओ, उसके उसके बदले एक और काम करता हूँ। मुझे ना एक क्यूट सी बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, और हाँ एक क्यूट सा बेटा भी चाहिए। मेरी तरह? नहीं, वो भी मेरी तरह। क्यों, मेरे नए नक्शों में कोई खराबी है क्या? मैं डायन जैसी दिखती हूँ जो मेरे जैसी नहीं चाहिए? तुम मेरी बीवी हो, अब मैं तुम्हारे मुंह पे थोड़ी ना कुछ कह सकता हूँ। मतलब मैं डायन दिखती हूँ, भूतनी दिखती हूँ? नहीं, पर वो जो दो दांत है ना आगे के, वो थोड़े बड़े हैं तो। क्या बोला तुमने? तुम ना मुझे भी वो लंदन वाली लड़कियों की तरह प्रिटी बोलो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे? तुम बस ऐसे ही पास रहो, लंदन ब्रिज से लेके लाहौरी गेट तक की कसम, जिंदगी भर ना तुम्हारी तारीफ करता रहूंगा। विवान क्या कर रहे हो? अभी क्या हुआ? अब तुम्हें अपनी तारीफ पसंद नहीं आ रही? विवान देखो सुबह जल्दी उठना, अभी सोने चलते हैं। चलो सोने। एक सेकंड, तुम्हें पता है दुनिया के आधे से ज्यादा पतियों की ना यही शिकायत रहती है कि उनकी बीवियों को सुबह जल्दी उठना होता है, और सुबह जल्दी उठने के लिए वो जल्दी सो जाती है, जो तुम अभी कर रही हो। और तुम्हें पता है क्या आधी से ज्यादा दुनिया की लड़कियों की क्या शिकायत होती है? कि उनके पति ना ये कहने के बाद उनको सोने नहीं देते। हाँ ऑब्वियसली। चुपचाप चलो सोने। निकल ले बेटा सनी यहाँ से, तेरे बड़े भाई में ना माता आ गई है। आज इतना धोया है, कल अगर मिला तो पता नहीं क्या करेगा। चल अगली बार नजर आया तो पता नहीं क्या करेगा वो। निकल ले बेटा, इसी में भलाई है। ये सास बहू सीरियल की तरह तो नहीं? यहाँ फोटो टूटा और मम्मी वहां प्यारी। मेरे साथ ऐसा मैंने सनी तो जानता नहीं, ये घर खजाने का घर है, अगर ये मिल गया ना तो लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। ओह तो ये वो खजाना है जो मॉम ने एक बार बताया था, लेकिन मैं इसका मतलब कभी समझ ही नहीं पाया था। पर उस घर में एक तो विवान भैया है, क्या करूं, कैसे जाऊं उस घर में? आइडिया। अरे तो तुम बोल देती, तुम्हारा हाथ वो तुम सोते थे प्यार। अच्छा तो ये बात है। अब ना ज्यादा सर पे मत चढ़ जाना, अभी दिवाली की इतनी सारी तैयारियां बाकी है, सोनी कुड़ी में भी तैयारी करनी है, और वो अनाथ आश्रम में फंक्शन भी है ना, वहाँ भी तुम्हें जाना है। मुझे नहीं, हमें जाना है। शायद तुम भूल रही हो कि सोनी कुड़ी अब तुम संभालती हो। अच्छा ठीक है, मैं भी चलूंगी, पर पहले तुम जाके ना हो। सब
पांच मिनट में जाता। नहीं कोई पांच मिनट नहीं, फटाफट खड़े हो और नहाने जाओ। ओके 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 चल चल। मीरा, मीरा टॉवल नहीं है, टॉवल लाओ ना। अभी लाई। ये लो। देखो अभी मुझे जाने दो, मेरे को बहुत सारा काम है। हाँ तो काम कर लेना। मैंने कब कहा कि काम नहीं है, पर अभी सबसे जरूरी काम मैं। विवान सुबह सुबह क्या कर? सुबह करो तो प्रॉब्लम, रात में करो तो प्रॉब्लम। जो तेरे संग लागी रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें, दिल कैसे बयां मैं करूं, तो ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। ये रहा तुम दोनों का नाश्ता। तुम दोनों तैयार हो के ना फटाफट ठल्ले आ जाओ। हाँ जी। मीरा कि खाना वाना छोड़ो, वो जो बाथरूम में पिक्चर स्टार्ट की थी वो खत्म करते हैं ना। पति देव पिक्चर अभी इंटरवल पे। इंटरवल तो रिज्यूम कब होगी? इंटरवल खत्म कब होगा? आज रात को। सच पक्का? देखो अगर तुमने डबल खत्म नहीं किया और अपनी बात से मुकरी ना तो मेरा दी एंड हो जाएगा पिक्चर का, मुझे नहीं पता। चपेट मारूंगी, बोला ना ऐसी बात दोबारा नहीं करना। चल पुत्र अंदर चलते, बड़ा काम है। हाँ जी।